Me, Priyanka, is describing the topic, the functionalism. Functionalism is a theory of sociology which describing how social changes occur according to their functions. अगर हम functionalism को देखते हैं तो functionalism एक major theory है sociology की, जिसके द्वारा हम social relationships को अच्छे तरीके से understand कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और उनको analyze कर सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर क्या happen हुआ है, ठीक है? ये एक तरह से हमें क्या perspective attempts to explain who and how certain social structure work in society by ascribing their functions. इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है और हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसके फंक्शंस में जो भी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम उसके फंक्शंस के बारे में पता लगा सकते हैं और फंक्शंस के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम सोशल चेंजेस को अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ पाएंगे. इस तरह से ये हमें एक तरह से प्रोस्पेक्टस वहाँ पे प्रोवाइड करता है. जिस तरह से अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसका पहले ही हमें क्या प्रोस्पेक्टस मिलता है और उस प्रोस्पेक्टस से यानी कि उसके फंक्शंस से हम उस इंस्टीट्यूट की क्वालिटी को पहचान सकते हैं कि हमें इसके अंदर एडमिशन लेना है, यहाँ पे हमें जाना है कि नहीं, यानी कि उसके प्रोस्पेक्टस से पहले ही हमें उसके बारे में पता चल जाता है. इस तरह से जो फंक्शंस है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है. उसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल टर्म्स है, उससे पहले हम करेंगे कि जो सोशल थ्योरी है उसके प्रोस्पेक्टस के बारे में ही. जो फंक्शनल थ्योरी वो क्या है, एक सेंट्रल सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव्स है, प्रोस्पेक्टिव्स है जो कि क्या है एक्सप्लेन करते हैं लार्ज स्केल पे सोशल स्ट्रक्चर को और उसकी रिलेशनशिप्स को. अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये एक तरह से एक मेजर यानी कि मैक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है जिसके द्वारा हम उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, उसके कई सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से क्या कुछ वहाँ पे हैपन हो रहा है, क्या एग्जिस्ट हो रहा है और उसके हम पर्पज को उसके फंक्शंस को हम वहाँ पे जानेंगे, उनके बारे में हम पता लगाएंगे. एस्क्रेशन का मतलब क्या था उसके बारे में हम लगाएंगे, ठीक है. तो इस तरह की जो अप्रोचेज होती हैं वो एक तरह से डोमिनेंटली होती हैं. अगर हम सभी साइंसेज के अंदर देखें, इन ऑल द सोशल साइंसेज एज वेल एज इन मैनी ऑफ द नेचुरल साइंसेज, अगर हम साइंस के अंदर देखते हैं जैसे क्या होता है बायोलॉजी नेचुरल साइंस के, अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे क्या होता है बायोलॉजी होता है बायोलॉजिकल इन पार्टिकुलर एंड इन सोशियोलॉजी, ठीक है. जो इसे क्या होता है बायोलॉजी कोई ह्यूमन बींग है, कोई ह्यूमन बींग है उसके अंदर अलग अलग उसके सेल्स होती हैं, उसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन से सिस्टम बनता है. देखो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है सेल होते हैं. बायोलॉजी का यहाँ पे एग्जांपल लिया है बिल्कुल जैसे सोशियोलॉजी का फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए, उसी के लिए क्या यहाँ पे बायोलॉजी का एग्जांपल लिया गया है. जैसे क्या ह्यूमन बींग के सेल्स होते हैं, सेल्स के द्वारा वहाँ पे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से फिर वहाँ पे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन का फिर सिस्टम बनता है और सिस्टम फिर क्या उसके जो जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या उस ह्यूमन बींग के बारे में टोटली पता लगा सकते हैं कि इस जो ह्यूमन बॉडी वहाँ पे या फिर कोई भी दूसरे ऑर्गेनाइजम की बॉडी वहाँ पे है कि उसके फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है. वो क्या वहाँ पे फंक्शन कर सकता है, क्या क्रिएशंस वहाँ पे हो सकते हैं. जैसे क्या ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसका हार्ट प्रेजेंट होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, किडनीज होती हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है. ये कुछ उसके ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस करते हैं. जैसे हार्ट है और ये क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये जो ऑर्गन्स है ये क्या है एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं. वहाँ पे जैसे हार्ट है, हार्ट क्या वहाँ पे ब्लड की सप्लाई करता है, क्या करता है ब्लड की सप्लाई करता है. तो वहाँ पे लंग्स है, लंग्स क्या करते हैं ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं और यहाँ पे क्या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है वहाँ तक एयर को पहुँचाते हैं. किडनी क्या करते हैं वहाँ पे जो भी उसका एक्सक्रेटरी करने का जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रेट करती हैं जैसे यूरिन वगैरह, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वहाँ पे क्या उसके जैसे न्यू ऑर्गेनाइजम को वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या अगर सिर्फ हार्ट प्रेजेंट होता तो उसका बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता, इसलिए क्या उसके लिए जो दूसरे ऑर्गन्स यानी कि बॉडी के दूसरे पार्ट्स की भी वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है. और जैसे लंग्स है, लंग्स का भी अकेले का कोई काम नहीं होता, ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या प्यूरीफाई किसको करेगा वो, जब ब्लड ही नहीं पंप होगा, हार्ट ही नहीं होगा वहाँ पे प्यूरीफाई किसको करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा. ऑक्सीजन कैसे पहुँच पाएगी बॉडी तक, नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है. और इसी तरह से जो हमारी किडनीज है, अगर हम यहाँ पे क्या हमारी किडनीज प्रेजेंट है उनका भी क्या है उनकी भी रिलेशन आपस में होती है, अगर बॉडी ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी तो किडनीज का भी कोई काम नहीं है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी इसी तरह से. और जैसे ब्रेन है, ब्रेन का भी वहाँ पे क्या इन सबसे वो मिलजुल के करता है क्योंकि यहाँ से ही इम्पल्स आती है, वही उसको क्या एक तरह से वहाँ पे जनरेट करते हैं, इम्पल्स आते हैं और उसको पूरे सिस्टम को वहाँ पे मेंटेन करके रखता है, ठीक है. तो इस तरह से जिस तरीके से क्या बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन होते हैं और उसके फंक्शंस के द्वारा हम उसकी बॉडी को पहचान सकते हैं कि उसका माइंड कितना शार्प है, वो कितना क्या काम कर सकता है, कितनी अवेलेबिलिटी उसके अंदर है, क्या क्वालिटी उसकी है, ठीक है, उसके बारे में हम सब कुछ पता लगा सकते हैं बायोलॉजी के थ्रू, ठीक है. और इसी तरह से जो सोसाइटी है
क्या जो सोशियोलॉजी है उसके फंक्शंस के बारे में जान के, जैसे कि वन ह्यूमन बींग है, जैसे सेल थी वन ह्यूमन बींग है, उससे क्या है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई, यानी कि कई सारे वहाँ पे सोसाइटी बनी वहाँ पे, ठीक है, सोशलाइजेशन वहाँ पे हुआ, एक से क्या फिर क्या मेल एंड फीमेल, उससे क्या बने और भी ज़्यादा वहाँ पे पर्सन्स वहाँ पे बन गए, ठीक है। और उसके बाद उसी के साथ में क्या वहाँ पे जैसे क्या है हॉस्पिटल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने बनाए क्योंकि ये उन्हीं के आइडियाज हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको बायोलॉजी का एग्जांपल पहले दे दिया था, अब हम एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है किसका, सोशियोलॉजी का, सोसाइटी का, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया, जो हमारे क्या इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन है, जो मनी है, पावर है, ये सब किसने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने। और इस तरह से अगर एजुकेशन नहीं होगी तो वो क्या पॉलिटिकली कैसे कर पाएंगे, वहाँ पे कैसे टेक्नोलॉजी को वो डेवलप कर पाएंगे, और एजुकेशन का वहाँ पे क्या होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे बनेंगे, अगर वो कोई भी वहाँ पे डिजीज हो जाते हैं, किसी को बीमार हो जाते हैं तो वो कैसे चल पाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है, जो सिस्टम है ये एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसी तरह से जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर भी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी क्या है ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि उनकी आपसे रिलेशनशिप रहती है, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स वो कैसे ग्रो कर पाएंगे, यानी कि उनके आपसे क्या तालमेल बना रहता है, उनकी रिलेशनशिप बनी रहती है। और हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है कि वो हेल्थ को वहाँ पे मेंटेन करके रखेगा, डिजीज से बचा के रखेगा। इसी तरह से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, एजुकेट करेगा। और इसी तरह से जो इकोनॉमिकली है, कोई भी बिजनेस है तो वो क्या इकोनॉमिकल कंडीशंस को ग्रो करेगा, जिसके द्वारा हम इन सब चीज़ों को, हर चीज़ हर फील्ड के अंदर क्या पैसा चाहिए, और पैसे के लिए हमें क्या इकोनॉमिकली अपने आप को वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी हमें जॉब करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से हम क्या अपने लिए इकोनॉमिक कंडीशंस को वहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ताकि हम अपने आप को सोसाइटी के अंदर मेंटेन करके रख सके, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है और आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं, उसी के थ्रू क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि जो बायोलॉजिकल तरीके से अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से बायोलॉजी हमारे बनती है, टिश्यू बनते हैं, सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू और ऑर्गन्स और सिस्टम बनते हैं, इसी तरह से जो हमारी सोसाइटी वो भी इसी तरह से ही बनी है, ह्यूमन बींग्स बनते हैं, उससे फिर उनके ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप से फिर क्या फैमिलीज बनती हैं, और फैमिलीज से फिर क्या वही हमारे सोसाइटी बनती है। और सोसाइटी भी क्या है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उनको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, एजुकेटेड होंगे वो जब, और एजुकेटेड कब होंगे वो उनकी फैमिलीज पे भी डिपेंड करता है, यानी कि एक दूसरे से वो रिलेशनशिप में वहाँ पे बंधे रहते हैं, और इसी तरह से वहाँ पे सोशल चेंजेज अक्कर होते रहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी आपको यही सारी बातें बता रखी है, जो सोशियोलॉजिस्ट है वो क्या फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव्स को यूज करते हैं उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनका वर्क क्या है, ठीक है, वही एजुकेशन वाला क्या वर्क है, कोई फैमिली है वो पहले क्या करती है अपने बच्चों को ग्रो करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए क्या कुछ नहीं करती, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के पूरे पूरे फंक्शंस को वहाँ पे मेंटेन करके रखती है, यानी कि पहले ही हम उसका एक तरह से प्रोस्पेक्टस बना लेते हैं कि इसके इस जो इस फील्ड है, ये फील्ड है, इस फील्ड का ये फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझ सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कई सारे वहाँ पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स बनाए हैं, इनको हम क्या कई बार क्या स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोलते हैं, यानी कि जो ये प्रोस्पेक्टस होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी हमारे वहाँ पे हिदायतें दी गई होती वो ये होती, ठीक है, कि जो इंस्टीट्यूट्स है वो किस लिए हैं, क्यों बनाए गए हैं, और उनसे क्या हमें फ़ायदा होगा, उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये सब चीज़ें वहाँ पे दी गई, यानी कि ये थ्योरी उनके लिए दी गई है कि हमारे जो सोसाइटी वहाँ पे कब कैसे क्यों क्या हुआ उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं, तो इसलिए क्या फंक्शनल जो थ्योरी है वो दी गई थी। इसके द्वारा हम और क्या कर सकते हैं, उसके जो पर्पज हैं, क्यों ये चीज़ बनाई गई है, उन सब के बारे में हम जान सकते हैं, यहाँ पे मेनली मिला के वही सारी बातें बता रखी हैं। उसके बाद इसके कुछ मैंने बताया था यहाँ पे इसके कुछ प्रिंसिपल टर्म्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल टर्म्स के अंदर क्या है कुछ इसकी टर्म्स दे रखी, जैसे क्या है एनोमी में क्या है, जो लैक ऑफ यूजुअल सोशल और इथिकल स्टैंडर्ड्स इन ए
एंड इन एन इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी कि किसी न किसी चीज़ की कमी के कारण एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके फंक्शंस में कहीं ना कहीं पे वहाँ पे अल्ट्रेशन आ जाती है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है, जब कभी कभी क्या है वहाँ पे वीक और एबसेंट सोशल नॉर्म्स होते हैं, यानी कि सोशल के स्टैंडर्ड अच्छे से नहीं एग्जिस्ट हो पाते, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, एनोमी जा जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, यानी कि वहाँ के इसमें एनोमी क्या है, उसके फंक्शंस को ही डिफाइन कर रहा है, जो कि क्या है, सोशल नॉर्म्स की एबसेंटेशन की वजह से है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का मीनिंग ही क्या है, यानी कि कोई एक सीरियस ऐसी कंडीशन जिसके अंदर डिसएग्रीमेंट हो, यानी कि वो क्या उस चीज़ को मान ही ना पाए, आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे इनकम्प्लीट हो। ठीक है, ए सोसाइटी थ्योरी दैट फोकस ऑन टेंशन, यानी कि वही बात आ गई, डिसएग्रीमेंट हो गया और डिसएग्रीमेंट की वजह से क्या होगा, टेंशन होगी, वहाँ पे स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस जो वो स्ट्रेन रहेगा, यानी कि वहाँ पे रिमेनिंग रहेगा नेचुरली। ठीक है, और इस तरह से वो क्या सोशल सिस्टम को वहाँ पे अफेक्ट करता है, यानी कि सोसाइटी के अंदर वहाँ पे चेंजेस आते हैं जो कि उसके फंक्शंस ही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, डिसफंक्शन, डिसफंक्शन में क्या होता है, एक ऐसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होती है जिसके कारण वहाँ पे डिस्ट्रप्शन आती है और ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या सोसाइटी के जो सिस्टम है वो वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है और वहाँ पे चेंजेस अकर होते हैं। उसके बाद क्या, कुछ लेटेंट फंक्शन, ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर वो चीज़ है तो, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट तो हुई है परंतु वो अब तक डेवलप नहीं हुई है, उसको हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि हिडन तरीके से वहाँ पे वो है। ठीक है, ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड और अनयूनाइटेड कॉन्सिक्वेंसेज होती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अनइंटेंटेड का मीनिंग क्या है, यानी कि वो हमें विजुलाइज नहीं होती पर वो क्या सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनके वजह से, यानी कि सोसाइटी के अंदर उन चीज़ों वो चीज़ें हैं तो, लेकिन हमें पता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोरोना का था। ठीक है, कोरोना वो क्या है, एक तरह से वो एग्जिस्ट तो था हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से उसके बाद में अब देखो सोसाइटी के अंदर कितना बड़ा चेंज आया, सिर्फ कोरोना की वजह से, वो सिर्फ क्या उसका लेटेंट फंक्शंस की वजह से ही, क्योंकि वो चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट तो थी लेकिन हम उसके बारे में पता नहीं लगा पाए, यानी कि वो एक तरह से वहाँ पे कमी थी। ठीक है, और उसके बाद है मैक्रो सोशियोलॉजी। मैक्रो सोशियोलॉजी के अंदर क्या आता है, जो हमें क्या बड़े लेवल पर सोसाइटी को एनालाइज करवाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे क्या लार्ज सोशल स्केल के, जैसे कोई बड़ा इश्यू हो जाता है इंस्टीट्यूट्स का, जैसे क्या किसी दूसरे जो दूसरे देश होते हैं, जैसे दूसरी कंट्री होती है, उसने किसी दूसरी कंट्री पे हमला कर दिया, यानी जो मैक्रो लेवल पर देखे जाते हैं वो वाले इश्यू। ठीक है, जिनको पूरे पूरे, जैसे अब क्या कोरोना का भी एक एग्जांपल यही है, वो भी क्या एक तरह से मैक्रो लेवल पे ही है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो उसको क्या मैक्रो सोशियोलॉजी के इश्यू के नाम पे, यानी कि जो कोरोना वो एक तरह से सोशल इश्यू है, जो सोसाइटी है, सोशल जो पीपल्स हैं वो क्या एक दूसरे के आसपास नहीं आ जा रहे, वो अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, हर चीज़ की वहाँ पे क्या डिसफंक्शनिंग हुई है, यानी कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, और वो क्या एक तरह से मैक्रो सोशियोलॉजी है, यानी कि वहाँ पे बड़ा इश्यू आया है, इंस्टीट्यूट्स में भी उसका प्रभाव देखने को मिला है और सारे जो प्रोसेस है उनके अंदर भी इसके चेंजेस आए हैं। उसके बाद है मैनिफेस्ट फंक्शंस। मैनिफेस्ट फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं, देखो लेटेंट फंक्शन तो क्या था, जो हिडन थे, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैनिफेस्ट ऐसे होते हैं जो प्लान्ड होते हैं, पहले से प्लान करके किए जाते हैं, यानी कि विजिबल होते हैं। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम पहले से प्लान करते हैं कि हाँ हमें आगे भविष्य में ये करना है, वो करना है, इनको हम पहले से प्लान करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो सोशियोलॉजी। माइक्रो सोशियोलॉजी के अंदर क्या आता है, जो कि छोटे लेवल पे होते हैं, द लेवल ऑफ सोशियोलॉजी एनालाइज कंसर्न विद ए स्मॉल स्केल ग्रुप डायनेमिक्स, यानी कि सिर्फ छोटे ग्रुप्स में, जैसे किसी एक विलेज के ऊपर या फिर दो विलेज के ऊपर या फिर विलेज के अंदर के किसी पार्टिकुलर एरिया के, यानी कि बिल्कुल वहाँ पे क्या माइक्रो सोशियोलॉजी को वो सोसाइटी को वहाँ पे डिफाइन करता हो और उसके फंक्शंस के बारे में वो बताता हो, उसका हम माइक्रो सोशियोलॉजी के अंदर लेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शंस जिसके अकॉर्डिंग हम सोशल चेंजेस को देख सकते हैं। इस तरह से क्या है, सिंपली हमारे जो, यानी कि इसका अगर हम कंक्लूजन निकालते, रिजल्ट निकालते, तो रिजल्ट यही है कि जो हमारी सोसाइटी है उसके स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके जब हमें फंक्शंस के बारे में पता होगा तभी तो हम ये एग्जिस्ट कर पाएंगे कि कब कैसे क्या होने वाला है और कब कैसे क्यों और क्या हुआ है।
ठीक है, यानी कि जब हमें उसके फंक्शंस के बारे में पता होगा तभी तो हम उस चीज़ को आगे डिफाइन कर पाएंगे, और इसलिए फंक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें फंक्शंस का पता है तो हम सोसाइटी के सारे चेंजेस को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हम उसको क्या सिंपली तरीके से वहाँ पे जान सकते हैं, सभी की सभी कंडीशंस को हम वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। चेंज अकर ओवर ओवर टाइम, जो चेंजेज होते हैं वो क्या पूरे टाइम पे अकर होते ही रहते हैं। पहले ज़माना कुछ था, अब का टाइम कुछ है, पहले का टाइम कुछ था, यानी कि सोसाइटी के अंदर हमारे अब तक चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे इंटरवल्स आते हैं, कभी वहाँ पे इंक्रीजमेंट, कभी डिक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट, वो यहाँ पे चलती ही रहती है, और टाइम टू टाइम वहाँ पे एक तरह से क्या चेंजमेंट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी, सेटलिंग एंड स्टेबिलिटी वहाँ पे होती है, यानी कि क्या जो भी टाइम टू टाइम हमारी क्या चेंजमेंट आ रही है, लेकिन उसके फंक्शंस का हमें पता चल जाता है, और फंक्शंस के पता चलने के कारण वहाँ पे क्या एक तरह से स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कोई डिजीज होती है, डिजीज़ में क्या होता है, हमें उसके फंक्शंस के, जो ह्यूमन बीइंग है उसके फंक्शंस के बारे में पता होता है, ठीक है, इस तरह से हम उस डिजीज़ से उस जो भी पर्सन वहाँ पे उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें सोसाइटी के फंक्शंस के बारे में पता होगा तो हम सोसाइटी में भी होने वाली जो भी वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स के क्रिएशंस है, उनके बारे में भी हम वहाँ पे सॉल्यूशन पा सकते हैं, उनको भी हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस अकर होते हैं।